हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांडा स्टोर के अपकमिंग ट्विस्ट, अपकमिंग प्रोमो के बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है सो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जी हाँ, जैसा कि प्रोमो में दिखाया गया है कि अनीता ने वापस से एक चाल चली है, मतलब वो धरा की जो इनसिक्योरिटी है उसका फायदा उठाती हुई हमें नजर आ रही है। क्रिस जब क्रीम लेकर आता रहता है और दवाइयां लेकर, तो उसे बहाने से रोक लेती है, फिर सारा दवाई और क्रीम गिर जाता है और जिसमें से वो क्रीम उठा लेती है। अब वो धरा को और ज्यादा इनसिक्योर करने के लिए, थोड़ा सा एम्बेरस करने के लिए, वो उस क्रीम को सबके सामने आके बोलते हुए उसे देने के लिए आती है, जिसे देख के गोम्बी भी, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा है, रावी को भी नहीं अच्छा लग रहा है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। और धरा का जो गुस्सा है, ओ माई गॉड, धरा का गुस्सा फाइनली फूट पड़ेगा और वो क्रीम ले लेगी उससे, और गुस्से में बोल देगी कि मुझे तो अभी लगा लेना चाहिए ना, अभी से ही यूज करना चाहिए फलाना डिंका। मतलब कहीं ना कहीं जो अनीता है वो उसकी इनसिक्योरिटी का, जो उसे सबकी बातें सुन के गोम्बी के ऊपर एक जरा सा थोड़ा सा उसका विश्वास जो है वो थोड़ा दिख रहा है डगमगाता हुआ, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वो यही सोच रही है कि कहीं ना कहीं जो धरा है वो बार बार गुस्सा करे गोम्बी के ऊपर और गोम्बी जो है वो उसकी तरफ चला जाए, उससे इंक्लाइंड हो जाए। बट ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि गोम्बी जो है वो धरा को छोड़कर किसी भी और, अनीता क्या किसी भी और के पास जाए, क्योंकि वो धरा से प्यार करता है, वो धरा की केयर करता है, वो उसे ऑब्वियसली वो ये ध्यान देता है हमेशा कि धरा जो है वो क्या सोचती है और क्या नहीं सोचती है। सो फाइनली हमें अनीता ने जो है वो नई प्लानिंग कर ली है, नया वो जितना भी कर रही है ये सारी चीजें वैसे भी उसकी फेल होने वाली है, क्योंकि गोम्बी तो कहीं नहीं जाने वाला है धरा को छोड़कर। बट धरा की जो इनसिक्योरिटी है उससे और उसके जो मूड स्विंग्स है उसका मजा लीजिए कुछ दिनों तक। वो कभी गुस्सा करेगी, कभी इमोशनल हो जाएगी, कभी कुछ, तो ये सारी चीजें उसे देखने में बड़ा मजा आ रहा है। और जब वो बैंगन की सब्जी सबको परोसी जाती है और सब बड़े चाव से खाते रहते हैं, तो गोम्बी का जो बिहेवियर था, और गोम्बी फिर क्रेश फिर शिवा, ओ माय गॉड, आज का वो वाला मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा जब सभी बैठ के खाना खा रहे थे, और एक कॉमेडी टाइप का एक मोमेंट था जो बहुत ही प्यारा भी था, मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा। आप लोग आज जरूर एपिसोड देखिएगा, क्योंकि थोड़ा गुदगुदाने वाले एपिसोड, कुछ सीन्स है, कुछ अच्छा अच्छा लगेगा, और मतलब काफी अच्छा लगेगा। आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल सारी चीजें थी आज के एपिसोड में। एक रिशिता का थोड़ा सा वो लग रहा है बेचारी, उसका जो रहता है, हर लड़की का एक सपना होता है अपनी शादी के पहले कि मुझे भी जॉब करना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो ये सारी चीजें उसे लगता था देव अभी भी उसके साथ है। बट उसके लिए अब ये भी है कि उसकी फैमिली भी मैटर है, उसकी फैमिली भी एक है जिसे वो देखना है उसे, और उसके साथ अगर वो जॉब कर सकती है तो कर सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान को अपना काम करना पड़ता है, प्रेफरेंस जो है वो चेंज करनी पड़ती है किसी, जैसे कौन सी चीज किस टाइम पे ज्यादा सुटेबल है। सो थोड़ा सा उसके लिए हो रहा है, लेकिन वो करेगी जरूर जॉब, यह हमें आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगा। फिलहाल तो आप लोग धारा के मूड स्विंग्स को एंजॉय कीजिए जो हो रहे हैं, और फाइनली जो अनीता जो है उसकी प्लानिंग फेल होती रहेगी, सारी प्लानिंग्स उसकी फेल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।